सो वी वर डूइंग मॉड्यूल थ्री. मॉड्यूल थ्री में हमने फटाफट से थर्ड पेज निकालिए, असर्शन रीजन, राइट? सो सबसे पहले आज हम बात करते हैं सेवंथ जी की. सेवंथ जी में आ जाइए बेटा, रेशम, रिक्की एंड रिशांत. कार वाले हम सब बुला रहे हैं, रेशम, रिक्की एंड रिशांत. रिक्की रिक्की एब्सेंट है, रिशांत इज देयर. ओके, अपनी वर्कशीट ले आओ रिशांत. ओके रेशम बेटा, असर्शन रीजन का क्वेश्चन निकालिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, M3, मॉड्यूल थ्री. वर्कशीट है आपके पास बेटा? रेशम वर्कशीट है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा. तो रेशम क्वेश्चन इज असर्शन रीजन है बेटा. क्वेश्चन है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. इधर देखो, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग. इधर देखो बेटा, बताओ जरा मुझे, इज इट ट्रू की फॉल्स? ऑक्सीजन इज लेस इन वॉटर. मैंने थोड़ा सा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की बात वहां पे लिखी है, मैंने ये थोड़ा सिंपल कर दिया. रेशम बोर्ड पे देखो बेटा, नाउ टेल मी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग, इज इट ट्रू की फॉल्स? इट इज ट्रू, बिल्कुल ठीक है, दिस इज ट्रू. एंड रीजन वाली स्टेटमेंट, इज इट ट्रू की फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ डज द रीजन एक्सप्लेन द असर्शन? डज द रीजन एक्सप्लेन द असर्शन? यस, रीजन एक्सप्लेन असर्शन, बिल्कुल ठीक है ये. दैट असर्शन, सो ऑप्शन क्या आ जाती है? ए, लिख लो यहाँ पे एवरीबडी, बोथ. ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. ऑक्सीजन वाटर में कम है, दैट्स व्हाई एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, पानी में जो एनिमल्स रहते हैं, दे हैव डिफिकल्ट ब्रीदिंग. यस, सेकेंड सेकेंड स्टूडेंट रिशांत. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. आपके पास वर्कशीट है बेटा? ऊपर करके दिखाओ जरा वर्कशीट मुझे. हाँ जी, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज लंग्स, स्किन आर मोइस्ट. मोइस्ट का मतलब होता है हल्का हल्का सा गीला. इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं बेटा, ट्रू है. ड्राई स्किन, ड्राई लंग्स होंगे तो कभी भी एयर अंदर बाहर नहीं आ जा सकती. दे शुड बी मॉइस्ट, थोड़े से गीले होने चाहिए. दिस इज ट्रू, ठीक है, फॉल्स नहीं है. अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनो, अर्थवॉर्म, एवरीबडी, अर्थवॉर्म रेस्पायर्स बाय, जल्दी से बताओ. मॉइस्ट स्किन अगर उसकी, अर्थवॉर्म के ऊपर हम नमक डाल दें, व्हाट द नमक डूज, व्हाट द सॉल्ट डज? द सॉल्ट एब्जॉर्ब्स वाटर. आप ना सॉल्ट पे पानी, आप घर जाना और सॉल्ट पे ना पानी डाल के देखना,
तो सॉल्ट सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है. व्हेन वी पुट सॉल्ट ऑन अर्थ वर्म, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हेन वी पुट सॉल्ट ऑन अर्थ वर्म द अर्थ वर्म डाइज. व्हाई इट डाइज? बिकॉज द सॉल्ट एब्जॉर्ब्स वॉटर फ्रॉम द स्किन, इट्स स्किन बिकम्स ड्राई एंड द एयर द ऑक्सीजन कैन नॉट गोज इन. अगर स्किन ड्राई हो जाएगी तो उसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आएगी, एंड द अर्थ वर्म डाइज ड्यू टू एस्फिक्सिया. एस्फिक्सिया हो जाता है दम घुटना. लिख लो क्वेश्चन, राइट डाउन वन क्वेश्चन. इफ वी पुट सॉल्ट ऑन द अर्थ वर्म, राइट ऑन एवरीबडी, सेवंथ डी बॉयज लिखो जरा. इफ वी पुट, अच्छा पहले हम इससे बात कर ले, हम रिशांत से बात कर ले. तो पहला जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन सच एज लंग्स एंड स्किन आर मॉइस्ट, दिस इज ट्रू. रीजन है अर्थ वर्म डाई इफ सॉल्ट इज पुट ऑन देम. बेटा रिशांत, ट्रू है कि फॉल्स है? जोर से बोल, ट्रू है ये. ठीक है, रेस्पिरेटरी, बट दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है. ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, सेकेंड जो है क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन का ऑप्शन है बी. बैठो बेटा, गो टू योर सीट. दैट बोथ ए एंड आर, नहीं, हाँ ए एंड आर करेक्ट, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन. ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए. इफ वी पुट सॉल्ट ऑन अर्थ वर्म इट डाइज, इट डाइज व्हाई, है ना क्वेश्चन है व्हाई. तो यहां पे आंसर आपने क्या लिखना है? फर्स्ट, एयर कैन मूव ओनली थ्रू मॉइस्ट सरफेस, इट कैन मूव ओनली थ्रू मॉइस्ट सरफेस. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना है, वी पुट सॉल्ट ऑन अर्थ वर्म, सॉल्ट एब्जॉर्ब्स वॉटर. H2O आपको अब तक पता हो, चल जाना चाहिए. H2O इज वॉटर. सॉल्ट एब्जॉर्ब्स वॉटर फ्रॉम स्किन ऑफ अर्थ वर्म. इससे क्या हुआ? एरो डालो. स्किन ऑफ अर्थ वर्म बिकम्स ड्राई. O2 ऑक्सीजन कैन नॉट मूव इन द अर्थ वर्म थ्रू ड्राई स्किन. मतलब अर्थ वर्म ब्रीद नहीं कर सकता, एंड अर्थवर्म डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. इसको अगर किसी को याद रहे तो इसको कह रहे थे, क्योंकि वर्ड इज डिफिकल्ट, एस्फिक्सिया, और इसके साथ हिंदी में लिख लो दम घुटना. किसी को याद रह जाता है एस्फिक्सिया, इट्स ओके, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट दिस.
ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ एफ, जल्दी से करो फटाफट से। एकलव्य एंड दिवांश, एट्थ एफ, एकलव्य एंड दिवांश दोनों आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सरफेस एरिया इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इज इट ट्रू और नॉट? दिस ट्रू। इज ट्रू, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा गैस का एक्सचेंज होगा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाएगी। ठीक है, दिस इज ट्रू, लार्ज सरफेस एरिया, रीजन बताइए बेटा, ट्रू और फॉल्स? लार्ज सरफेस एरिया अलाउज फॉर ए ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो व्हाई लार्ज सरफेस एरिया हेल्प्स इन एफिशिएंट एक्सचेंज? क्योंकि मोर द सरफेस एरिया मोर द गैसियस एक्सचेंज। ऑप्शन ए की ऑप्शन बी बेटा, जोर से, ए इज ऑप्शन ए, एब्सोल्यूटली करेक्ट। ठीक है, बैठो बेटा। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे, नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ जी, नेक्स्ट है, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता है, दिस इज ट्रू की फॉल्स? दिस इज ट्रू, द एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड सैक दैट अलाउ फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट? ए की बी ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है, एल्वियोलाई है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड सैक, राइट, जहां पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। सो आंसर इज बी, बीटा, बॉम्बे। एवरीबडी नोट डाउन द आंसर, क्वेश्चन नंबर 9, बी बॉम्बे। इन्हीं में से ही रीजन असर्शन के क्वेश्चंस आने हैं, जो आपकी मैंने वर्कशीट दी है। नेक्स्ट, हाँ जी, सेवंथ डी, सेवंथ डी बेटा ऑन करो जरा अपने इधर से, जूम से ऑन करो अपना माइक, सेवंथ डी। और जो बेटा टुवर्ड्स विंडो, फर्स्ट बेंच पे जो दोनों बॉयज है जिनके पास माइक है, बोलो जरा। नेक्स्ट केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेल्स टेक ऑक्सीजन, हाँ जी, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एयर? बोलो, ऑन करो, बताओ आंसर, मुझे नहीं पता चला, ऑन करो इसको, इसको ऑन रहने दो। हाँ बोलो, कहाँ से, फर्स्ट बॉय, हाँ जी बोलो जरा, रिजॉल्व्ड वाटर से? अच्छा चल, ऊपर से पढ़ ले, ऊपर पढ़ ले, ऊपर ना पैराग्राफ पढ़ लो बेटा, जल्दी से, और फिर आंसर दो मुझे। फ्रॉम एयर। फ्रॉम एयर, अपनी कॉपी का कल वाला पेज खोलो कि व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या बताते, दे आर नॉट फिशेस, लिव इन वॉटर बट वो फिशेस नहीं है, उनके पास गिल्स नहीं है, उनके पास लंग्स है और वो एयर ब्रीद करती। ठीक है, माइक ऑन करो, सेकंड का आंसर, सेकंड बॉय, हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लो होल्स इन व्हेल्स? हाँ सी ऑप्शन। ऑप्शन, टू अलाउ फॉर रेस्पिरेशन, बिल्कुल ठीक है। आपके पीछे जो दोनों बॉयज है वो आ जाओ जरा जल्द, एक बॉय आ जाए, हाँ जी, राइट साइड वाला, वन बॉय कम। हाउ डू व्हेल्स रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब वो दोबारा कैसे लेती हैं ऑक्सीजन? दो इसको वर्कशीट दो, ये भूल गया या इसके पास है नहीं?
मैम जरा देखिए इनके बेंच पे वर्कशीट है कोई कि नहीं, इस सेकंड बेंच पे, कि दोनों के पास ही नहीं है? है एक के पास। बोलो मैम है इनके पास बेटा आंसर बोलो। ऑप्शन। ऑप्शन है टू, हाउ डू व्हेल्स रिप्लेनिश देयर बाय इनहेलिंग एयर फोर्सफुली, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बिल्कुल बैठो बेटा। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड केस स्टडी में, मॉड्यूल थ्री केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर वन ऑप्शन बी बॉम्बे, टू सी चंडीगढ़ एंड थ्री ए अम्बाला। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, मॉड्यूल वन पे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, अब हम आ जाते हैं बेटा सेवंथ ई। ये सबको क्वेश्चन फर्स्ट आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए, ध्रुव एकम गितीश एंड गुरनूर, सेवंथ ई, ध्रुव एकम गितीश एंड गुरनूर। आ जाओ पहले बोलो जरा माइक पे, जरा हेलो बोलो, देखिए आवाज आ रही है? हाँ हेलो चलिए बताइए बेटा, अब जल्दी से बताना है फटाफट से, है ना। इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इज इट फिजिकल की केमिकल चेंज? फिजिकल। फिजिकल। चलते चलो बेटा आंसर देते जब, चूइंग ऑफ फूड फिजिकल की केमिकल? फिजिकल। फिजिकल वेरी गुड। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल केमिकल चेंज? वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्रीदिंग फिजिकल फिजिकल चेंज। चेंज? वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल्स आ जाइए, मिडिल रो में जो दो गर्ल्स बैठी हैं, सेम क्लास, जल्दी से फटाफट, वो दोनों पीछे से भी आ जाओ, सेम रो में से जो स्टूडेंट्स बैठे हैं। यस, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, फिजिकल की केमिकल? केमिकल। केमिकल वेरी गुड। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, फिजिकल की केमिकल? फिजिकल चेंज। चेंज। वेरी गुड। लिखते चलो बाकी सब, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल की केमिकल केमिकल चेंज? एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे दो चीजें दी है, एक है डाइजेशन और दूसरा है रेस्पिरेशन, इसकी डिफरेंट प्रोसेसेस दी हुई है, इसमें से कौन सा पेयर ठीक है? राइट, सो वी कम टू सेवंथ सी। सेवंथ सी में से बेटा आर्यन एकमदीप दोनों आ जाओ, आर्यन एंड एकमदीप, सेवंथ सी। हां जी बेटा बोलो जरा, पहले हेलो बोलो, देखें आपकी आवाज आ रही है? बोलो गुड मॉर्निंग। हाँ अब बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए बेटा कि डाइजेशन रेस्पिरेशन में से कौन सा, 1 2 3 4, इसमें से कौन सा पेयर मैच कर रहा है बच्चे? जोर से बोलो। हाँ मुझे आवाज नहीं आ रही, 1 2 3 4, फिंगर से बता दो मुझे। इट इज थर्ड, बिल्कुल ठीक है। डाइजेशन इज ब्रेक्स, बिल्कुल ठीक, बैठो बेटा। ब्रेक्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड रेस्पिरेशन इज इट बर्न्स सिंपल फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए हम आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएं कि दिस इज, ये मैंने लाइम वाटर बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा हम ट्रांसफर करें, क्लियर सा। ठीक है, दिस इज लाइम वाटर। सो लाइम वाटर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? एनीबडी कैन टेल मी?
इज इट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड? कौन कैल्शियम सा? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, ना 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 ना, लाइम वाटर इज हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो कैल्शियम नाइट्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज लाइम वाटर। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, जल्दी से सेवंथ बी, जिसके पास माइक है ऑन करो जरा माइक। यस आपसे मुझे ये बताना है कि इज इट एसिड की बेस? बेस सोच के बताओ, मैं एक चीज बताना है, कहीं से मुझे एसिड की आवाज आ रही है, कहीं से मुझे बेस की आवाज आ रही है। इसमें OH है, हाइड्रोक्साइड है, जिसमें हाइड्रोक्साइड होता है यस इट इज ए बेस। वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। एंड यू नो, अब ये है हमारे पास, दिस इज, यू नो, दिस इज लाइम वाटर। इफ आई एक्सहेल इन इट, सही है। डज तो मुझे ये बताओ कि डज इट टर्न मिल्की? मिल्की यस है ना, तो मिल्की ये क्यों हुआ? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लियर था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है अगर हम बात करें तो? ये क्या है? चूना, जो पान में लगाते हैं, जो व्हाइट वॉश में यूज करते हैं, चूना है ये। मैंने चूना लिया और मैं ये पान वाले से चूना लेके आई थी और इसको मैंने रात को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सो इट इज क्लियर वॉटर। इसको हमें फिल्टर करना पड़ता है, दिस इज क्लियर वॉटर। एंड व्हाट वी एक्सहेल? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज सॉल्यूशन गेट्स मिल्की, यस और नो? यस एंड व्हाट इज इट? इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। व्हेन वी मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड विद इट, इट बिकम्स व्हाट इज इट? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इट बिकम्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O इज वाटर, राइट? बट व्हाई, व्हाई कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इज मिल्की? ध्यान से अब आपने देखना है, कैल्शियम कार्बोनेट इज, अगर इनसॉल्युबल होता तो वो नीचे बैठ जाता, बट इनसॉल्युबल नहीं है। हमें कैसी सॉल्यूशन है? क्लियर भी नहीं है, हमें मिल्की सॉल्यूशन मिल रही है, राइट? व्हाई इट बिकम्स मिल्की? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट इज पार्शियली, और थोड़ा सा हम कह सकते हैं इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वॉटर, देयरफोर इट फॉर्म्स, इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स मिल्की सोल्यूशन। एंड व्हाट डज दिस टेस्ट शो? लाइम वाटर टेस्ट shows that we exhale carbon dioxide. इससे प्रूव हो जाता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सहेल करते हैं।
इसमें तीन चीजें हैं बेटा कि केमिकल नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये केस स्टडी आ सकती है आपको पूरी, ठीक है। केमिकल नेम इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो केस स्टडी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने एसिड बेसिस में काम ये नाम किए हुए हैं। व्हाट इज केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर? इज लाइम वाटर एसिड और बेस? है ना, हमें लाइम के नाम से नींबू याद आ जाता है, नींबू हमें लगता है खट्टा है, एसिड होगा नो, बट इट इज कैल्शियम, लाइम वाटर, राइट? इट इज नॉट लेमन वाटर। प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन वी एक्सहेल इन लाइम वाटर? ठीक है, तीन क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या आ जाता है, ये क्वेश्चन लिख लो और इससे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई लाइम वाटर बिकम्स मिल्की? क्या व्हेन वी एक्सहेल बेटा, ये सब हॉट्स और ये अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस है ना, रट्टे वाले। अब रोट लर्निंग खत्म हो गई, क्रैमिंग खत्म हो गई, अब जो पेपर आएगा वो ऐसे ही आएगा, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। केमिकल नेम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज एन एसिड, ठीक है, इसके आगे लिख लेना एसिड। विच प्रोडक्ट ये इज, बेस है। आई एम सॉरी, इट इज बेस, आई एम सॉरी। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, एंड व्हाई इट बिकम्स मिल्की, ये वाला आंसर लिखते हैं। ओके, करें आगे। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेवंथ सी में से। सेवंथ सी में से तो हमने पूछ लिया ही हो, सेवंथ बी, सेवंथ बी में से आ जाइए बेटा। जब जोत जतिन जोबन प्रीत, जोबन प्रीति जोत एंड जतिन आ जाओ जल्दी से, क्विक। बेटा आपने, जब जोत इधर देखो बेटा, आपने सूखे राजमा ले लिए, ठीक है, तो मुझे ये बताओ जो आपके राजमा आपके डिब्बे में है, ड्राई राजमा, ड्राई सीड्स, मुझे ये बताइए बेटा, डू दे रेस्पायर या ब्रीथ? ड्राई सीड्स ब्रीथ करते हैं क्या? ये CO2 प्रोड्यूस करेंगे? मैम। बेटा ब्रीथ अगर ये करते हैं ना, तो इतना कम करते हैं, करते तो है ही है क्योंकि लिविंग है इसमें एम्ब्रियो, बट उसमें इतना CO2 नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है, कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर, राइट, दे ब्रीथ, तो हम कहेंगे कि दे ब्रीथ एट वेरी
स्लो रेट. देयरफॉर रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट. Which does not change लाइम वाटर मिल्क. चलो बेटा, सेम स्टूडेंट, मुझे आप बताओ बेटा, ये था ड्राई सीड्स. दूसरे आ जाएंगे बेटा बॉइल्ड सीड्स. हमने जो है सीड्स को कुकर में डाल के 4-5 सीटियां लगवा ली. डू दे ब्रीथ? नो दे ब्रीथ, ठीक है, क्यों नहीं? ऑन रहने दो, ऑन रहने दो, माइक ऑन रहने दो, क्यों नहीं ब्रीथ करते? क्योंकि बेटा बॉइलिंग के बाद वो मर जाते हैं, ठीक है? इतने हाई टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे तो जो उनका एम्ब्रियो है अंदर वो मर जाएगा. बेटा अपने सीट पे बैठो, चलो ठीक है, बैठो बेटा, ठीक है, बोथ ऑफ यू सिट डाउन. सो बॉइल्ड सीड्स, तो आप ये लिखो, एम्ब्रियो डाइज नो ब्रीदिंग. और थर्ड आ जाते हैं बेटा सीड्स पुट ऑन मोइस्ट कॉटन. मोइस्ट मीन गीली कॉटन, या जो हम राजमा रात को भिगो देते हैं, ठीक है? एम्ब्रियो गेट्स एक्टिव, एम्ब्रियो एकदम एक्टिव हो जाता है. और आप देखते हो अगर वो बॉइल्ड मतलब भिगोए हुए सीड्स कई दिन तक रहने दें तो उसमें से एम्ब्रियो निकल भी आता है, ठीक है? एम्ब्रियो गेट्स एक्टिव, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस. टर्न्स लाइम वाटर मिल्क. चलिए जी, 7th B में से ही आ जाइए बेटा. राजवीर, राजवीर, उदय, माधव एंड मनवीर. आ जाओ जल्दी से, आ जाओ. राजवीर, उदय, मानव एंड मनवीर. हाँ जी बेटा, जल्दी से बताइए, इन विच फ्लास्क सीड्स जर्मिनेट. देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3, 3 फ्लास्क है, कौन से फ्लास्क में? पहले में ड्राई सीड्स है, दूसरे में मोइस्ट कॉटन है उसके ऊपर सीड्स है, तीसरे में बॉइल्ड सीड्स है. कौन सा, ए बी की सी? सी, एमबी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी. बी में कौन सा है? ये वाला, जहां पे सीड्स पुट ऑन मोइस्ट कॉटन. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ मोइस्ट कॉटन इन फ्लास्क बी? क्या कर रही है गीली कॉटन, क्या कर रही है सीड्स को, क्या कर रही है? बेटा सिंपल, इधर देख, मोइस्ट कॉटन क्या करेगी? दे प्रोवाइड वाटर टू द सीड्स, और क्या करेगी? ठीक है, लिख लो, एवरीबडी राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोवाइड वाटर टू द सीड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की? मे पर ए में है ड्राई सीड्स, ड्राई सीड्स में तो मैंने क्या बताया है, सुनते नहीं हो ध्यान से, इन तीनों में देख के बताओ.
मैम बी ऑप्शन है ये वाला, राइट, कि जहां पर सीड्स को मोएस्ट कॉटन पे रखा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी एंड वाई, बिकॉज आंसर ये आ जाएगा। वाई में ये लिख लेना, एम्ब्रियो गेट्स एक्टिव, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस। हाँ जी बेटा, मनवीर आई हो, क्या आपका नेक्स्ट स्टूडेंट का क्या नाम है बेटा, जोर से बताओ। माधव। माधव। ओके माधव, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द चेंज ऑफ लाइम वाटर, जल्दी से बता दे। लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या है बच्चे? कैल्शियम, CaHOH2 KOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस, ऑन रखो माइक, ऑन रखो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस टू CO2 बना क्या? क्या बना? लाइम वाटर तो ये है, क्या बना आगे? सोडियम सॉल्यूशन कहाँ से आ गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लिए, क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। क्या बना? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, माला बैठिए माला बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टच द टू थ्री फ्लास्क, कौन सा फ्लास्क, इधर देखो बेटा, कौन सा फ्लास्क गर्म होगा जहां पे रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होगी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका भी आंसर बी है, क्योंकि रेट ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर स्टर्नुअस? स्टर्नुअस का मतलब होता हैवी एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज के बाद भूख क्यों लगती है? क्योंकि बेटा एक्सरसाइज में हमने बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर दिया। इधर देखो एवरीबॉडी हियर, वी कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी इन एक्सरसाइज। हाउ वी गेट एनर्जी? बाय बर्निंग ऑफ फूड, जो फूड हमने खाया था वो बर्न कर गया, तो इसलिए हमें दोबारा भूख लगती है, राइट? सो राइट डाउन इट्स आंसर, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बिकॉज ड्यूरिंग एक्सरसाइज लॉट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। लॉट ऑफ एनर्जी, लिख लो बेटा लिख लो, इधर उधर मत देखो। सेवंथ डी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज लॉट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फूड। एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ फूड। थर्ड पॉइंट, एज द फूड ईटन इज कंज्यूम्ड, एज द फूड ईटन मतलब जो हमने पहले खाना खा लिया, इज कंज्यूम्ड, देयरफोर वी फील हंग्री, वी फील हंग्री। सेकेंड है, व्हाई वी योन आफ्टर हैविंग हैवी मील्स, योनिंग का मतलब होता है उबासी लेना, है ना? व्हाई डू वी योन? तो इसका आंसर है बेटे, यॉनिंग, सुस्ती आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम पहुंचती है। ध्यान से इधर देखो, जब हमने खाना खाया, मैक्सिमम ऑक्सीजन कहां पे कंज्यूम हो गई? डाइजेशन में। राइट डाउन, आफ्टर मील्स, आफ्टर हैविंग मील्स, आफ्टर हैविंग मील्स मैक्सिमम ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, है ना? लंच के बाद आपका जो भी क्लास होती है उसमें कितनी नींद आती है?
After having meals, lot of oxygen is consumed in digestion. In digestion. Full stop. Less oxygen reaches in our brain. Less oxygen reaches in our brain. Therefore, less oxygen reaches to our brain. Therefore, we become less active. क्योंकि ब्रेन ने हमें एक्टिव करना है. देयरफॉर वी बिकम लेस एक्टिव. हाउ फूड एंड ऑक्सीजन रीचेस टू अवर सेल्स थ्रू ब्लड. यू मस्ट बी नोइंग कैसे पहुंचता है. ब्लड के थ्रू. थ्रू ब्लड. ब्रीदिंग और सेल रेस्पिरेशन में क्या रिलेशन है. मोर द सेल रेस्पिरेशन मोर द ब्रीदिंग. जितनी जल्दी खाना बर्न करेगा उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए. मोर द सेल रेस्पिरेशन मोर द ब्रीदिंग. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फिजिकल चेंज ये आपने सबने बताया होगा इसलिए मैं आंसर बता रही हूं. इट इज बी बॉम्बे द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स. ये फिजिकल चेंज है. बी बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर सिक्स. ये भी आपको सबको आंसर पता है. कौन सा आंसर है जल्दी से बताओ. ऑप्शन सी. रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंज्यूम ऑक्सीजन. बेटा क्वेश्चन नंबर सेवंथ में बेटा करेक्शन कीजिए. यहां पे लिखो सेल रेस्पिरेशन. असर्शन में लिखो सेल रेस्पिरेशन. सेल रेस्पिरेशन इज ए फिजिकल प्रोसेस. ट्रू की फॉल्स जल्दी से बताओ. फॉल्स. फॉल्स है. बिल्कुल ठीक है. एंड केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड. ट्रू. बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन आ जाएगी डी. सेवंथ की डी. क्वेश्चन नंबर एट. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज टेकन बाय बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज. ट्रू. बिल्कुल ठीक है. ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स थ्रू ब्लड. ट्रू. ठीक है. बट कोई दो ए दो पार्ट. नहीं. ए नहीं है बेटा. बी है. मैं बी. बी है. कोई दोनों का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं. रेस्पिरेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ट्रू की फॉल्स. हमेशा हमें एनर्जी चाहिए. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी. हाँ जी. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन ए. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों है. क्योंकि हमें हमेशा एनर्जी चाहिए. बिल्कुल ठीक है. वेरी गुड. नेक्स्ट इज एम टू. बेटा ये क्वेश्चन वन के जो ऑप्शंस है ना ये काट दो. क्योंकि ये ऑप्शंस ठीक नहीं है. हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करके देखते हैं. क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट मींस इन 60 सेकेंड्स इज 12. उसके बाद उन्होंने पूछा है 2 आवर्स में 60 सेकेंड्स या 1 मिनट ही कह लीजिए. मिनट में ही हम बात कर लेते हैं. वन मिनट की ही हम बात करते हैं. नंबर ऑफ ब्रेथ्स 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं बेटा. 120 मिनट्स. तो 120 इंटू 12 कितना आ जाएगा. 1440 ब्रेथ्स. इज इट राइट. आंसर इज 1440. ऑब्वियसली 120 में ज्यादा ही होंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे.
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर टू, वन ब्रेथ का मतलब इनहेलेशन की एक्सहेलेशन की, दोनों? पार्ट सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। वन ब्रेथ इज वन इनहेले प्लस वन एक्सहेलेशन। हाँ जी, राइट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब मुझे सी वाले बताएंगे, सेवन सी वाले बताओ जोर से जरा। ह्यूमंस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? सेवन सी, जोर से। सेवन ए वाले बताएंगे, सेवन ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। इट इज लंग्स। यस, एनीबॉडी हु कैन टेल मी अबाउट इंसेक्ट्स? स्पाइरेकल्स। नॉट स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स आर लाइक अवर नोस्ट्रिल्स। इट इज ट्रेकिया, उसमें ट्रेकिया है। यहाँ पे लिखो, ब्रैकेट में लिखो स्पायरिकल्स इन इंसेक्ट्स इज लाइक अवर नोस्ट्रिल्स। हमारे नोस्ट्रिल्स थोड़ी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हमारे लंग्स है। इस तरह से ये क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ह्यूमंस में लंग्स है, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया है, अर्थवर्म में क्या है बेटा? मोस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन। फिशेस में गिल्स है। बर्ड्स में बेटा लंग्स। लंग्स। और जल्दी से मुझे बता दो, व्हेल्स में, व्हेल्स एंड डॉल्फिन। ब्लो नहीं, ब्लो होल्स उनके नाक, हमारे नाक की तरह से है, नोज की तरह से। अगेन कल वाला देखो तो मैंने बताया था, दे हैव लंग्स। यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, ब्लो होल्स आर देयर नॉस्ट्रिल्स। ब्लो होल्स आर देयर नॉस्ट्रिल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें आपके एमसीक्यू में आनी है, तो वहां पे ब्लो होल्स नहीं लिख देना है। व्हेल्स एंड डॉल्फिन हैव लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिब केज इन द रेप्टाइल? प्रोटेक्टिंग द मुझे पता है टाइम इज ओवर, बस हम फटाफट से ये एक दो क्वेश्चन है ये कर लें, क्योंकि आज हम ये खत्म करके फ्रॉम मंडे प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। बिल्कुल ठीक है ए बेटा। पार्ट। ए, वीनू मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम 7th B हैज गॉट मैथ, 7th C हैज गॉट इंग्लिश। मैम। बस एक मिनट, बस आई विल टेक ओनली 1 मिनट। ओके ठीक है जी। सो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? प्रोटेक्शन, राइट। नेक्स्ट, ये सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है ना, ये काट दो, ये आपके लेवल का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, ये छोड़ दो। हाउ मेनी पेयर ऑफ रिब्स? हाउ ट्वेल्व मेनी? ऑफ 12 पेयर्स। वेरी गुड, इट इज 12 पेयर्स। ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी काट दो। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस प्रेशर, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस व्हेन डायफ्राम इज पुल्ड डाउन, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। नहीं बेटा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, ये देखो, ट्रू
ये आपने किया है, ये वाला ये बनाया आपने, नो है ना, ये चलिए, ये अंदर जो बलून है दिख रहा है आपको कि लाइट पड़ रही है, इसके जो अंदर बलून है, इट इज लाइक अ, यू नो इट इज लाइक अ लंग, दिस इज अ डायफ्राम, व्हेन वी पुल इट डाउन, आप देख रहे हो बलून स्वेल कर रहा है, यस और नो? मैं एक मिनट, मैं ये जरा लाइट बंद करूं, शायद आपको दिखे। When it shrinks, जब मैंने ऊपर किया, it shrinks, volume decreases, and when I pull it down, the balloon swells. जब मैं नीचे कर रही हूँ तो volume increase कर रही है, pressure decrease कर रहा है, inhalation हो रही है. This is जब मैं ऊपर कर रही हूँ तो exhalation, inhalation, exhalation, inhalation, exhalation. ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीजेस व्हेन डायफ्राम इज पुल्ड डाउन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन बी, बॉम्बे, डोम शेप्ड डायफ्राम, डोम शेप्ड मीन्स इस तरह से, जब ऊपर हो गया तो क्या हुआ, आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी एक्सेलेशन से, इट इज डी, ऑल द अबव, एक्सहेलेशन हो रही है, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट मीन्स शॉर्टनिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन का लिख लो, कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ लंग्स, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पता है, मैं आंसर बता रही हूँ, बी बॉम्बे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 बी बॉम्बे, ठीक है जी? सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, आई विल सेंड द टेस्ट टू योर टीचर, ठीक है, और वो टेस्ट ले लेगी, आई होप बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और एक दिन हम एक और, अभी अगली बार जो है मैथ्स की क्लास लगाएंगे मंडे से, कौन सा चैप्टर करते हो मैथ्स में, जल्दी से बताओ, यस एनी स्टूडेंट, कोई सी क्लास में बताओ कि इस टाइम कौन सा चैप्टर कर रहे हो मैथ्स का, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, चलो हम पहले यही शुरू कर लेंगे, ठीक है, लेट मी डिस्कस विद द टीचर, देन आई विल टेल, ठीक है, सो ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे, एंजॉय योर डे, बाय बाय। थैंक यू मैम।